दोस्त अभी रात का समय है और हम लोग पहुंच चुके हैं एक रेस्क्यू कॉल में, जो जगह है जमुना, जो बलि शंकर भाटीपाड़ा से 6 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों इनका कहना है कि सांप जो था यहाँ एक मुर्गी कुरूप पे बैठी थी, इसका जो अंडा था सब अंडा खा चुकी है, और यहाँ जो एक चूहा का बिल है इसमें घुसा है दोस्त। तो चलिए अभी इसको हम बाहर निकालेंगे। दोस्तों दोस्तों सांप जो है इसमें है और जैसा लग रहा है कि थोड़ा भी ये बिग साइज का कोबरा है। तो चलिए दोस्तों इसको बाहर करेंगे। ठीक है, डॉट सिंह पसंद लोहाट उठना। जो मुर्गी का अंडा हुआ ये सांप का एक पसंदीदा भोजन है, इसको खाने के लिए चले आते हैं। चलिए दोस्तों इसको हमने अभी पकड़ लिया, तो इसको यहीं पे ही पैक कर लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों ये एक बिग साइज का एक स्पेक्टिकल कोबरा है। चलिए चल ठीक दबा के। दोस्तों ये देख रहे हैं ये मुर्गे का जितना भी अंडे था सबको निकल चुका है, तो इसको हम लोग ज़्यादा छेड़खानी करेंगे, सरसबाजी करेंगे, तो ये जो अंडा खाया है सबको बाहर कर देगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको अभी डिब्बा में पैक करते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं मुर्गी को भी काट चुका है, ये मुर्गी जो कुरूप पे बैठी थी और इसका अंडा को सब निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है, आप देख रहे हैं ना मेरे भाई जिब्बा में कितना बड़ा साइज है। हमें फोन किए थे जो परिवार हमें फोन किए थे उस भाई साहब को थोड़ा मिलाते हैं। दोस्त अभी रात का समय है और टाइम हो रहा है 10 11 हो रहा है,
तो ये जो भाई हैं फोन किए थे, ये जमुना के हैं, और थोड़ा इनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम है रोमांचन नाइक, मैं भोजपड़ा का बासिंदा हूँ। रात को जब ये जो मुर्गी के अंडे खाने के लिए आया था, मेरे पापा जब उठ के देखे तो भैया को कॉल किया, तो भैया बाल संकरा से तुरंत आए और इस सांप को डिब्बे में भर लिए और ठीक है, लेके जाके वो लोग छोड़ देंगे। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम इसको ले जाएंगे, सुबह से इसको हम रिलीज करेंगे। चलिए दोस्तों, सांप को वहीं पे हम छोड़ते हैं, यहाँ आसपास में कोई घर नहीं है इसके लिए ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं दिनों को ना विदा लेता हूँ। जय जवान जय किसान।